आए थे हम पार्टनर बनके और बन गए वापस कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे ही टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। नाम मेरा कमल किशोर, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। किसान भाइयों को मेरा राम राम। बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन कर लेते हैं और उनका कुछ कारणवश वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जो कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है, एमबी बोलती है कि भैया ज्वाइन करने के दौरान एक महीने के अंदर कम से कम आपको 1500 रुपये की कस्टमर के नाम से सेल होना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो दूसरे महीने में आपको कस्टमर बना दिया जाएगा। कस्टमर बनने के बाद में कैसे हम उसको वापस पार्टनर बनना चाहते हैं तो वापस कैसे कन्वर्ट करें उसको, तो इसी टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। पार्टनर बनने के बाद में कस्टमर बन जाते हैं तो कस्टमर बनने के बाद में फिर से वापस पार्टनर अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बनोगे। और एमबे की जो वेबसाइट है पहले से काफ़ी चेंजेज है, इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। बहुत सारी जो है वेबसाइट में चेंजेज आया है। तो पहली बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिना वक्त गंवाए अपन शुरू करते हैं, वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप किसी कारणवश क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाए पार्टनर बनने के बाद में, तो आपको कंपनी क्या करती है, कस्टमर बना देती है पार्टनर से। तो अब कस्टमर बनने के बाद में फिर से अपन वापस पार्टनर में कैसे कन्वर्ट हो, तो इसका क्राइटेरिया अपन देखते हैं। सो दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आपको कस्टमर से वापस पार्टनर में कन्वर्ट होना है तो 5 तारीख से 25 तारीख के बीच में आप कन्वर्ट हो सकते हो, बाकी 25 से 4 तारीख तक आप नहीं हो सकते। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कैसे वापस कस्टमर से पार्टनर में अपन कन्वर्ट हो सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे अपन टच करते हैं और यहाँ पे बिकम एन एडीएस पार्टनर, इसके ऊपर आपको टच करना है। जैसे आप इसके ऊपर टच करोगे तो इस तरह से खुल, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इस प्रोसीड पे इसके ऊपर टच करना है। जो पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन थे वो वापस पार्टनर से कस्टमर बन गए थे, तो इनको वापस अपन पार्टनर बना रहे हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर टच करना है आपको। जैसे अपन इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है सीधा। जो भी ये डला हुआ है, पहले से डला हुआ है, ये उन्हीं का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं जो पार्टनर से वापस कस्टमर बन गए थे। अगर आप कस्टमर हैं और पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स डालना रहता है, लेकिन अगर आप पहले पार्टनर थे और आपने क्राइटेरिया नहीं कर पाए तो यहाँ पे फिर आप वापस कस्टमर बन जाते हो। तो कस्टमर से वापस फिर से अपन पार्टनर में कैसे आ सकते हैं, इसी का मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करना है, जैसे कंटिन्यू करते जाना है आपको, इसको स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है ऐसे। सो दोस्तों, यहाँ पे डला हुआ है सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा स्क्रॉल करते और यहाँ पे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके और फिर से इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे भी डला हुआ है सब कुछ पहले से, अब आपको इसको फिर से स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू करते जाना है टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके, और यहाँ पे थोड़ा बीच में आ गया तो टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते और ऊपर जाके सबमिट कर देना है। सो दोस्तों, इसमें सारी जो चीज़ें पहले से डली हुई है, डॉक्यूमेंट्स जो भी KYC वगैरह सारा पहले से हो रखा है, खाली अपने को इसको सबमिट करना रहता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सेव करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और नेक्स्ट लेवल पे अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। तो चलिए आगे पायदान पे चलते हैं अपन। सो फ्रेंड्स, अब IFSC कोड और अकाउंट नंबर पहले से डले हुए थे, HD जैसे रहना है, इसको रहने देना है और अपन स्क्रॉल करके और इसको सेव कर देना है और आगे बढ़ेंगे अपन। जो नेक्स्ट लेवल पे आएगा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, उसको भी देखना रहेगा। यहाँ पे पहले इसको सबमिट कर देते हैं और इसको सबमिट होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन वीडियो चलेगा। ये लो जी, ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी अपने देख लिया, आप टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके और सबमिट करना है। और अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया फिर से, थैंक यू।